बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। कांग्रेस से नाराजगी की आ रही हैं खबरें। कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा। वीडी शर्मा ने कहा आने वालों का स्वागत है। बीजेपी ने शामिल होंगे कमलनाथ। वीडी शर्मा ने सांसद नकुलनाथ को लेकर दे दिया संकेत। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर बीजेपी के तेवर नर्म हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अगर कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। वीडी शर्मा ने साफ कहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ अगर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बड़ी बात यह है कि कमलनाथ और नकुलनाथ के खिलाफ बीजेपी का कोई बड़ा नेता बयानबाजी नहीं कर रहा है। शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए वीडी शर्मा से कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर सवाल पूछा गया था। इस सवाल के जवाब में वीडी शर्मा ने कहा, जिन लोगों को लगता है कि वह राजनीति में रहकर काम करना चाहते हैं और कांग्रेस द्वारा भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बहिष्कार से जिन्हें पीड़ा हुई है उनका बीजेपी में स्वागत है। वीडी शर्मा ने कहा कि आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनका स्वागत है। कमलनाथ को मिल चुका है ऑफर। पूर्व सीएम कमलनाथ को इन दिनों बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है। बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन कह चुकी है कि कमलनाथ भगवान राम का नाम ले और बीजेपी में आ जाएं। हालांकि कमलनाथ ने भी सुमित्रा ताई के बयान पर पलटवार किया है, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया था कि वह बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था दरवाजे बंद हैं। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को लेकर कहा था कि उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। कुछ समय पहले अटकलें लगाई गई थी कि कमलनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा है, जिसके बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था, जिसके बाद से उनके नाराज होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। छिंदवाड़ा में एक्टिव हैं कमलनाथ। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के साथ कमलनाथ इन दिनों अपने बेटे के संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में एक्टिव हैं। बीजेपी फिलहाल कमलनाथ पर खुला हमला नहीं बोल रही है। वहीं कमलनाथ और नकुलनाथ के तेवर भी बीजेपी को लेकर नरम पड़े हैं। हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है भी, और हम क्यों लेंगे भाई। आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल। यदि वो आना चाहे तो दरवाजे बंद है। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तरफ से आपके पास आया है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूँ कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं, हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है, तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत